सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम एस्पायर रनिंग। और आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो सा काउंसलिंग से रिलेटेड, मतलब उसके बिजनेस रूल उसकी साइट पे आ चुके हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करनी है काउंसलिंग के दौरान, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है काउंसलिंग के दौरान, जिससे आपको अच्छी और अच्छी सीट सिक्योर हो सके, अच्छी सीट आप सिक्योर कर सकें। और कभी कभी होता है कि बच्चे अच्छी रैंक ले आते हैं, पर जो सा काउंसलिंग में थोड़ी बहुत या फिर थोड़ी बहुत लापरवाही के चलते उनको वो सीट नहीं मिल रही होती जो कि उन्हें अच्छे से अलॉट होनी चाहिए थी उनकी गलती की वजह से। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो कि बिजनेस रूल में बताए गए हैं, उनका ध्यान रखना है आपको, तो उनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीडीएफ दिख रही होगी, तो पीडीएफ ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होने वाला है कि इसमें मैंने मेन मेन चीज़ें हैं जो हाईलाइट कर रखी हैं, और उसमें मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रखा है। जैसे जैसे कलर डार्क होता जाएगा तो वो बात उतनी इंपॉर्टेंट होती जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर मैंने किसी चीज़ को रेड से कलर कर रखा है, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर येलो रखा है तो वो मैंडेटरी है, उसका आप ध्यान रख सकते हैं। और लाइट है तो थोड़ा बहुत, मतलब समझ रहे हैं, जैसे जैसे आपका कलर डार्क होता जाएगा तो उसके हिसाब से आपको उस बात का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस रूल में है क्या। तो स्टार्टिंग करते हैं, बिजनेस रूल में दिखा रखा है इन्होंने, तो बहुत बड़ी पीडीएफ है। तो साफ साफ पता होगा जो सा काउंसलिंग है उसमें आपको IITs, IIITs, IIST और कुछ जो GFTIs हैं या फिर CFTIs हैं उनमें आपको एडमिशन हो रहा होता है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा, यहाँ पे लिख रखा है जो सारी की सारी चीज़ें होंगी वो ऑनलाइन होने वाली है। पहले क्या होता था, 2019 या फिर 2018 के टाइम पे आपको नियरेस्ट जो आपका IIT है या फिर NIT या फिर GFTI है उसमें आपको जाके फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन कराने पड़ते थे, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़े पैराग्राफ में अलग अलग टेबल में दे रखा है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि है क्या, जिससे हम इसको आगे बढ़ सकें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी PDF है और उसको हमें जल्दी से वीडियो में कवर करना है। तो इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज है उसमें यह है कि आपने JEE एडवांस के दोनों पेपर दे रखे हों। अगर आपने एक पेपर दे रखा है, एक आपका मिस हो गया, तो आप IITs में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। अगर आपका JEE मेंस क्लियर हो रखा है तो आप इसमें दे सकते हैं, कट ऑफ क्लियर हो रखा है, कट ऑफ नहीं भी क्लियर हो रखा है तब भी आप बैठ सकते हैं। BE प्लानिंग BR का जो अलग से एग्जाम होता है वो दे रखा है, तो वो उसके लिए भी आप एलिजिबल है अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही साथ आपका 12th का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा अकॉर्डिंगली, कैटेगरी वाइज उनकी अलग अलग कट ऑफ होती है, तो वो भी देखा जाएगा। तो अगर दोनों चीज़ों को फुलफिल करते हैं, आपने पेपर लिया है, अगर आपके 12th के जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी आपके क्लियर होते हैं, तो आप इसमें बैठने के लिए एलिजिबल। अब बात करते हैं होम स्टेट कोटा के बारे में। तो आपको जैसे पता होगा जो IITs होती है उसमें कोई होम स्टेट कोटा नहीं होता है, उसमें जो रिजर्वेशन होता है वो कास्ट बेसिस पे होता है, और वुमेन जो है या फिर जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्वेशन होता है और PWD होता है। ये तीन टाइप के रिजर्वेशन आपको मिलते हैं। जबकि आपको NIT प्लस सिस्टम में जाएंगे, वही NIT प्लस सिस्टम क्या होता है, NIT प्लस सिस्टम होता है जिसमें NIT को कंसिडर करा जाएगा, GFTI को कंसिडर किया जाएगा और IIITs को कंसिडर किया जाएगा, और इसके नीचे जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज होते हैं CFTIs जो भी हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा। तो होम स्टेट कोटा जो होता है वो वहाँ पे आपको उनका अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, और उसमें आपको जो अब मैंने तीन अलग टाइप के रिजर्वेशन बताया उसको साथ में मिला के, मतलब होम स्टेट कोटा का रिजर्वेशन तो होगा ही, साथ ही साथ गर्ल कैंडिडेट SC ST जो अलग से कास्ट वाइज रिजर्वेशन होता है तो वो भी मिलेगा। होम स्टेट कोटा क्या है इसकी थोड़ी सी आपको फील दिला देता हूँ, वैसे आपको जानकारी होगी पर थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको नहीं पता। तो होम स्टेट कोटा ये है कि अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं किसी स्टेट का, मान लें आप यूपी में, यूपी में आपकी कोई NIT है उसमें आपको एडमिशन लेना है और आपका डोमिसाइल भी यूपी का है, तो आपको उसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाएगा उस यूपी के NIT में एडमिशन लेने के लिए। आपको होम स्टेट कोटा है, होम स्टेट कोटा को NIT गोवा और NIT श्रीनगर में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और सब में आपको जो 50% रिजर्वेशन रहता है वो होम स्टेट कोटा का रहता है। NIT श्रीनगर और NIT गोवा में अलग से थोड़ा सा रिजर्वेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर आप NIT गोवा में या फिर NIT श्रीनगर में एडमिशन के लिए चाह रहे हैं, तो NIT गोवा का जो है वो आपका जो टोटल सीटें हैं 100% होगी, उसमें से 50% सीट है वो होम स्टेट कोटा में आएगा, जबकि 40% सीट है वो आपकी मिलेगी जो गोवा के अंदर आते हैं, गोवा के रीजन में या फिर गोवा का डोमिसाइल जिनका है उनको वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। जबकि 10% जो सीट है वो इन कैंडिडेट को जो इन टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं, जैसे दमनदीप हो गया, दादर नगर हवेली होगी और लक्षद्वीप हो गए, इन टेरिटरीज में जो रहते हैं कैंडिडेट उनको भी रिजर्वेशन 10% सीट में NIT गोवा में मिलेगा। उसके अलावा और जो ये 10% सीट है वो आपका जो होम स्टेट कोटा 50% है उसके अंदर ही आता है, मतलब जो टोटल सीट 100% थी उसमें से आपका 50% होम स्टेट कोटा हो गया। 50% का जो 50% में जो 40% है वो गोवा की कैंडिडेट को मिलेगा, और उसमें से 10% है वो आपको मिलेगा इन यूनियन टेरिटरीज के बच्चों के लिए।
जबकि अगर आप बात करते हैं एनआईटी श्रीनगर के बारे में, एनआईटी श्रीनगर में क्या है, जो 50% जो आपका होम स्टेट कोटा है उसमें से आप 5% डिडक्ट कीजिए, और 5% जो डिडक्ट करके अब जो सीट बचेंगी वो रिजर्व है आपकी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये रिजर्वेशन है। अलग अलग इंस्टीट्यूट का होम स्टेट कोटा की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो, जैसे एक्सेप्शन आपका एनआईटी गोवा और एनआईटी श्रीनगर हो गया, उनमें होम स्टेट के लिए थोड़ी सी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी कौन कौन सी और कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे टेबल में दे रखा है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट वाइज। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट है तो वीडियो को पॉज करो या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में रिजर्वेशन कौन कौन सी एनआईटीज में मिलेगा वो यहाँ पे दे रखा है, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते हैं और आप ये समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे छोड़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोग्राम की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको जरूरी है वो यहाँ पे लिख रखा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी लॉगिन करते हुए और रजिस्ट्रेशन करते हुए, जो आपका जेई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका पासवर्ड था, जो आपके नंबर थे और उसमें ओटीपी वगैरह आ रहे होंगे, और आपकी जो एडवांस की जो आईडी वगैरह थी वो आपको जरूरत पड़ेगी जो सा पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। साथ ही साथ जो आपकी फीस है, अलग अलग चॉइसेस भरने की फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, हर बार चॉइस चेंज करने की आपको फीस देनी नहीं पड़ेगी, आपको वन टाइम पेमेंट करना है, मतलब 2000 रुपये जो आपके नॉन रिफंडेबल जो पेमेंट है काउंसलिंग की फी है वो देनी पड़ेगी, और चॉइस चेंज करने के आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी आप कितनी चॉइसेस भर लें आपको एक ही सीट अलाउट होने वाली है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे कुछ रेड कलर से मार्क कर रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको जान लेते हैं। जैसे ये है जो 10 डेज की जो 16 से आपका ये स्टार्ट हो रहा है और 10 डेज का आपको एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा, 16 से लेकर 26 तक 27 से आपके काउंसलिंग चालू हो जाएगी, तो ये टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसी के बीच में आपको चॉइसेस भरनी है और जो भी चेंजेस करने हैं अपनी चॉइसेस में प्रेफरेंसेस में इस 10 दिन के अंदर ही करना है, लॉक करना और जो भी चीज़ें हैं वो आप 10 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो 10 दिन का जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, और आपको केवल उन कॉलेजेस को ही भरना है जिसमें आपको जाने की इच्छा है, ऐसे कॉलेज को उस लिस्ट में मत डालना कि जिसमें आपको जाने की इच्छा नहीं है। ऑब्वियसली आपको वहाँ नहीं जाना है तो चॉइस क्यों डालना, अगर आपको गलती उससे वो सीट मिल जाती है फिर आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, अगर आप कैंसिल करते हैं विड्रॉ करते हैं तो आप जेई जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको सीसैप का वेट करना पड़ेगा, तो भाई ऐसे काम क्यों करना है जिससे आप जोसा से बाहर हो जाएं। तो ऐसी चीज़ या फिर ऐसी सीट्स को नहीं भरना है जिसमें आपको, ऐसे प्रोग्राम को भरना नहीं है जिसमें आपको जाना नहीं है। फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखी है, जो फीस स्ट्रक्चर है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट का वो कैसे फीस को प्रोसेस करते हैं या फिर किस तरह से उस मैनेज करते हैं या फिर हो सकता है उनका फीस थोड़ा सा आपके बजट से बाहर जा रहा हो, तो इसके लिए जोसा और सीसैप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले डिसाइड करना चाहिए था कि उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या मैं पेमेंट कर पाऊंगा या फिर वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपका जो जोसा और सीसैप काउंसलिंग है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे लिख रखा है। अगली बात जो लिख रखी है ये लिख रखी है जो कैंडिडेट है वो अपनी प्रेफरेंस को लॉक कर दे तो अच्छी बात है, अगर वो लॉक नहीं करता है तो वो डेडलाइन के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। लॉक करना और सेव करना थोड़ा सा अंतर है, जैसे मैं अगर चॉइसेस भर रहा हूँ तो मैं उसे सेव कर सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है डेडलाइन से पहले, तो सेव करूंगा तो मैं जो अभी प्रेफरेंस मैंने बना के रखी है वो मुझे जब लॉगिन करेंगे तो दोबारा सारे के सारे प्रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेव हो गई है तो इसका मतलब जो मैंने डाटा इनपुट करा था वो वहीं का वहीं है, उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ सेव करने पे। लॉक करने पे क्या होगा, वो सेव भी हो जाएंगे, उसके बाद मैं उन प्रेफरेंस में चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर लॉक करने के बाद मैंने, हो सकता है कि कोई गलत प्रेफरेंस भर दियो तो मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैंने जो सीट लॉक कर दी है उसमें मुझे चेंजेस करने, क्योंकि जिसके बारे में यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रखा है, तो उस चेंजेस करने के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अप्रूवल होगा उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। जो ये सारा का सारा प्रोसेस है डेडलाइन से पहले करना है, डेडलाइन के बाद ये एप्लीकेशन वाला फॉर्म नहीं चलेगा, आप चेंजेस नहीं कर सकते। और स्टूडेंट को स्ट्रांगली बोला जाता है कि अपने क्रेडेंशियल्स जो जोसा से रिलेटेड है वो किसी को शेयर ना करें, हो सकता है वो प्रेफरेंस में चेंज कर दे गलती से ही, सही आपने किसी दोस्त को दे दिया और उन्हें गलती से कोई प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर दी तो हो सकता है आपको गलत कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाए, फिर दिक्कत हो सकती है क्योंकि अलॉट होने के बाद आपको वो लेनी पड़ेगी। अलग अलग स्टेप्स की बात करते हैं, तो जोसा काउंसलिंग में क्या है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस ऑफ सीट है, जब आपको सीट मिल जाएगी तो उसे एक्सेप्ट करना, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे, पीडीएफ में नीचे है, तो वो आपको अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स को हल्के में मत लेना, कभी कभार क्या होता है कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्वेरीज आ जाती हैं कि ये डॉक्यूमेंट परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, नया डॉक्यूमेंट लाओ, थोड़ा सा पुराना है, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, तो ईडब्ल्यूएस है वो आपका एक
अप्रैल 2021 के बाद इशू होना चाहिए उसका पहले का, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और EWS बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और अगर उस क्वेरी टाइम में आप उसको सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपकी सीट रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आप अभी से आप डॉक्यूमेंट में काम करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है क्वेरीज के टाइम पे आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कर पाएँ, क्योंकि क्वेरीज का टाइम 4 से 5 दिन का दिया जाता है और EWS जैसे सर्टिफिकेट उन्हें 4 से 5 दिन के स्पैम में नहीं बन रहे होते हैं, उन्हें कम से कम 10 दिन लग रहे होते हैं। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो फीस है सीट एक्सेप्टेंस फीस वो पे करनी होती है। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी है कैटेगरी वाइज वो इसके नीचे वाले जो स्टेप है उसमें लिखा हुआ है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हैं तो आप जो सकी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो मैं तो ये जरूर कहूँगा अगर आपको कोई सी भी सीट मिल जाती है तो उसे आप एक्सेप्ट कर लें, बाद में विड्रॉ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। तो आप उस सीट की पेमेंट कर दें जिससे आपकी एक सीट तो कम से कम सिक्योर हो जाए। जो एक्सेप्टेंस फी है सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी है कैटेगरी वाइज SC ST और PWD अलग अलग कैटेगरीज के लिए 15,000 है और OBC और जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35,000 है जो आपको पे करना होता है। और जो कौन कौन से चैनल है कौन कौन से मीडियम के थ्रू आप इसे पे कर सकते हैं वो नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब आपको दे रखा है इसमें, इससे आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट भी ध्यान से करना ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा, इसका मतलब ऑफलाइन वाला कोई सीनियर सैटरडे संडे का बंद नहीं होने वाला, तो आपकी जो सैटरडे संडे के दिन बैंक बंद होते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग नहीं है तो जिससे आप पेमेंट करवा रहे हैं तो वो पेमेंट कर दे टाइम पे, तो ध्यान रखना है सर। अगला स्टेप लिखा हुआ है क्वेरीज। जब आपका कोई राउंड में कोई सीट मिल जाती है और आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेरीज आ जाती हैं उस साइट पे, आपको जो सके पोर्टल में क्वेरीज का ऑप्शन मिलने वाला है तो वहाँ पे आपको क्वेरीज अलॉट हो जाएंगी, उसका आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देते तो फिर यहाँ पे रेड कलर में लिखा है फिर आपकी जो सीट है फिर कैंसिल हो जाएगी। सीट कैंसिल होने के बहुत सारे चांसेस हैं, आपको सब चीज़ को सीरियस लेना है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो क्वेरीज देंगे, आपको वार्निंग मिलेगी, फिर सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर सारी मेहनत ख़राब भी हो सकती है। तो क्वेरीज का रिस्पांस भी करना है। क्वेरीज क्या होंगी, अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मेरे को क्वेरी आई थी, कहा था कि दोबारा अपलोड करो, वो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसी रिलेटेड आपको क्वेरीज आ जाएंगी। हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट एक्सपायर ओपन आया देना, तो इसलिए कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन पर अभी से काम करना शुरू करो, अभी टाइम है राउंड में तो आपके शायद डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा सीरियस लो। उन 3-4 दिनों में आप डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, आपकी सीट रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है फ्रॉडेंट या फिर फेक पाया जाता है तो आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। देखो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट और फेक डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा अंतर है, अगर आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड है तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, 2 राउंड के बीच में जो गैप होता है उसमें आपको टाइम दिया जाएगा जिससे आप इसे दोबारा से आप उन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। और फेक डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो फिर आपका डायरेक्ट कैंसिलेशन हो जाएगा, मतलब आपको सीट नहीं मिलेगी, आप जो सर से बाहर हो जाएंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला ऑप्शन तो दे रखा है वो सीट को रिजेक्ट करने से रिलेटेड दे रखा है। अगर आप कोई भी सीट आपको मिल जाती है और आप उसमें पेमेंट नहीं करते तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपकी सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आप जोसा से भी बाहर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू एक्सक्लूड फ्रॉम द जोसा प्रोसेस और आप सीट पेमेंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट मिलते तो चल कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करो, अगर नहीं करते हैं तो फिर आप जोसा से बाहर हो जाएंगे, कंसिडर किया जाएगा कि आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन यह है, मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाल रखा है, अगर कोई भी सीट मिलती है अगर आपको नहीं भी जाना हो तो उसे पे कर लो, आप एंड में 6th राउंड में उसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पेमेंट करेंगे वो रिफंडेबल होगा तो सिक्योर रहेगा, तो पेमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप जोसा काउंसलिंग से बाहर नहीं होंगे। अब बात करते हैं जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसमें 3 ऑप्शन मिल रहे होते हैं, पहला होता है फ्रीज, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद स्लाइड, तीनों ऑप्शन अलग अलग हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं कौन कौन से ऑप्शन का क्या काम है। फ्रीज का ऑप्शन यह है कि अगर आपको NIT कैलकट में मान लो CS मिल जाती है और आपको वही ब्रांच चाहिए, उसी कॉलेज में वही ब्रांच चाहिए, आपको सीट नहीं चाहिए और फर्दर जो समय पार्टिसिपेट नहीं करना है और वो सीट लेके आप कटली हो जाना चाह रहे हैं, मतलब आप निकलना चाह रहे हैं, मुझे वही सीट चाहिए ऐसे करके, तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करें। आप इससे 2 चीज़ें कर रहे हैं, पहला तो आप उससे सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरा आप जो सके काउंसलिंग से बाहर हो जाए कि मुझे फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब बात करते हैं फ्लोट ऑप्शन के बारे में, तो मान लो आपको कोई सीट मिल जाती है और आपको वो सीट एक्सेप्ट भी है, ठीक है, ओके और आपको लगता है कि अगले जो अगला राउंड है उसमें आपको और बेटर सीट मिल सकती है तो आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको 2 चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं, उस सीट को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अगले राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कि अगले राउंड में अगर आपको अपनी अपर प्रेफरेंस का कोई कॉलेज या फिर कोर्स मिलता है तो उसमें आप जा सकते हैं, तो फ्लोट से ही होता है। अब बात करते हैं फ्रीज ऑप्शन के बारे में, तो फ्रीज में ये कॉलेज के अंदर ही कोर्सेज चेंज कराने के लिए होता है। मान लेते हैं कि आपको NIT सूरतकल में आपको कोई एक ब्रांच मिल गई, मान लें आपको केमिकल मिल चुकी है, तो केमिकल ब्रांच के बाद आप चाहते हैं कि NIT सूरतकल में ही अगले राउंड में आपको NIT सूरतकल में ही दूसरा कोर्स मिल जाए, आपको अब कॉलेज नहीं चूज़ करना है, मतलब कॉलेज
चेंज नहीं करना है, आपको उसी कॉलेज में दूसरा कोर्स चाहिए, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करेंगे। तो फ्रीज था, फ्लोट था और स्लाइड था, उसका क्या मतलब था मैंने बता दिया। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपके आपको सीट मिल जाएगी, इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज करना मैंडेटरी है। और एक चीज़ और लिखी भी, अगर कैंडिडेट अपनी सीट को फ्रीज कर देता है तो वो बाद में चेंज नहीं कर सकता। और दो तीन चीज़ें और हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आपके सर्टिफिकेट फॉर्मेट नहीं होते हैं, मतलब सही फॉर्मेट में नहीं है, तो फिर आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना आप। एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि हर बार पे करनी पड़ेगी क्या फ्लोट और स्लाइड में, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी राउंड में एक सीट मिल जाती है और अगले राउंड में कोई और सीट अलॉट होती है, तो जब आपको पहली बार सीट मिली थी तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दी थी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो अगर आपको अगले राउंड में कोई सीट मिलती है तो आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो पेमेंट हो चुकी है, वो वन टाइम पेमेंट है। और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर बाद में विड्रॉ कर सकते हैं रिफंडेबल। एनेक्चर वन में यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो सा में, वो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। और लिस्ट में एक बात का ध्यान रखना है, NIRF के हिसाब से लिस्ट नहीं है, रैंकिंग के हिसाब से लिस्ट नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फिर गलती से मतलब किसी ने गलती से इंटरप्रेट कर लिया तो मैं बता रहा हूँ बस। तो यहाँ पे NITs के बारे में दे रखा है कौन कौन सी NIT पार्टिसिपेट करेंगी, और GFTIs जो हैं कौन कौन सी वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं वो यहाँ पे दे रखा है। तो टोटल इंस्टीट्यूट जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे IIITs के बारे में दे रखा है, NIT के बारे में दे रखा है, IITs के बारे में दे रखा है, और एंड में यहाँ पे GFTIs के बारे में भी दे रखा है। अदर गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेज है जो कि जोसा के थ्रू आपको मिलेंगे वो यहाँ पे दे रखा है। एट द एंड बात करते हैं कौन कौन सी अलॉटेड डेट्स हैं या फिर जो शेड्यूल रहने वाला है जोसा काउंसलिंग का, वो क्या रहने वाला है। तो 15 तारीख को आपको रिजल्ट आ गया होगा, उसके बाद 16 तारीख से जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा और चलेगा आपका 27 तारीख तक। 27 तारीख से पहले पहले आपका उसमें वहाँ पे डेडलाइन टाइम के हिसाब से दी होगी कब आपकी सीट जो आपके जो प्रेफरेंस है वो लॉक हो जाएंगी अपने आप, अगर आपने सेव नहीं किया, लॉक नहीं किया है तो। फर्स्ट राउंड से पहले पहले आपके दो मॉक भी होने वाले हैं, जिससे आपको पता लग जाए साइट वो कैसे काम करती है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी होती है, स्लाइड्स जो अलग अलग ऑप्शन है वो कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए आपके मॉक आने वाले हैं, मॉक से प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे काम करता है, और ओरिजिनल जो काउंसलिंग है उसमें आप गलती ना करें, उसके लिए आपके मॉक होने वाले। और कौन कौन सी डेट में आपकी सीट अलॉटमेंट या फिर जो आपके राउंड होने वाले हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उनके बीच में अच्छा खासा आपको टाइम दे रखा है क्वेरीज के लिए। और जो एक बात ध्यान रख लें आप कि जो CSAP काउंसलिंग होती है जोसा के बाद, वो केवल NITs और GFTIs के लिए होती है, NIT प्लस सिस्टम जिसे बोलते हैं हम, उनके लिए आपकी CSAP होगी। जो IITs हैं वो 6 राउंड के बाद बंद हो जाएंगी, 6 राउंड में जो आप अगर आपको IIT मिलगी तो ठीक है, और अगर आपको IITs में कोई अच्छी सीट नहीं मिलती है और आप चाहते हैं कि CSAP में पार्टिसिपेट करें, छठे राउंड में आपको IIT मिलती है और आप चाहते हैं कि CSAP में पार्टिसिपेट करें, आपको तो वो IIT वाली सीट विड्रॉ करनी पड़ेगी और CSAP में दोबारा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और CSAP के लिए अलग से दोबारा प्रेफरेंस भरनी पड़ती है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखें अगर आपको IIT अलॉट हो गई है तो, और उस IIT में नहीं जाना सिस्टम। अब बात करते हैं NIT प्लस सिस्टम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली। तो आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, हम EWS और OBC की बात यहाँ पे करेंगे। EWS और OBC जो है उसमें स्पेशल कंडीशन है कि आपका 21 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और OBC वाले ध्यान रखिए नेशनल सर्टिफिकेट से होगा तो ज़्यादा प्रेफरेंस मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टेट वाले में थोड़ी सी स्टेट वाले जो होते हैं आपको नेशनल लेवल पे आपको जनरल देखा जाता है, इसलिए आप इधर OBC का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो जो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है वो आप ध्यान रखें कि आपके पास हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर PWD कैंडिडेट जो आपका, और वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि जोसा जो साइट फॉर्मेट प्रोवाइड कराती है, फॉर्मेट जो है आपको इसी PDF के नीचे मिल जाएगा, और नहीं तो अलग से जो जोसा की साइट पे आप जाएंगे तो उनमें फॉर्मेट जो है एनेक्चर्स दे रखे हैं अलग अलग, कौन सा सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए और कौन कौन सी डिटेल उसमें होनी चाहिए वहाँ पे उस PDF में मिल जाएगा। अगर वो अभी तो आई नहीं है, अगर आ गई तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आपकी जो चेक और जो बैंक डिटेल है वो आप लगने वाले हैं, जिससे आपके जो रिफंडेबल फी है वो रिफंड हो सके। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, और किसी जोड़ा सा डॉक्टर से मत बनवाना मेडिकल सर्टिफिकेट, जो क्वालिफाइड है और जिनका सीरियल नंबर होता है, हर डॉक्टर का एक सीरियल नंबर होता है, तो वो जब स्टैंप लगाएंगे तो उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप बनाएंगे तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। अगर आप किसी जोनल चैप्टर या फिर लोकल डॉक्टर से बनाते हैं, मतलब जोनल चैप्टर से मेरा मतलब है वो क्वालिफाइड नहीं है, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। तो अच्छे थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा आपको, पर एक बार भी मेडिकल सर्टिफिकेट बना लें तो अच्छा है। पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अगर आप बाहर से हैं तो, और एडमिट कार्ड आपका जेई वाला तो लगने वाला है। एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हिंदी और इंग्लिश में हो सकते हैं, और किसी रीजनल लैंग्वेज में होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। IITs के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, IITs वालों के लिए भी IIT वाले जान लो भाई, आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ने वाली है, 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ने वाली है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आपका
ओबीसी एनसीएल और जनरल के लिए स्पेशल कंडीशन वही 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी का होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि जो जे एडवांस की साइट में दिया हुआ है। देखो जे जो अगर एनआईटी में जा रहे हैं तो आपको जूसा वाला फॉलो करना पड़ेगा, और आईआईटी में जा रहे हैं तो इसका जो ब्रोचर है किस टाइप के फॉर्मेट होने चाहिए आपकी जे एडवांस की साइट में रखा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों थोड़ी अलग अलग चीज़ें। उसके बाद आपकी बैंक और चेक की कॉपी लगेगी। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज्ड डॉक्टर, वही झोला छाप डॉक्टर नहीं चाहिए। उसके बाद सी ए ओ सी आई और पी आई ओ कार्ड अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद पासपोर्ट और सिटीजन सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल है तो तभी लगेगा। तो यहाँ पे हमने अलग अलग सर्टिफिकेट की बात कर ली है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, अगर रीजनल लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट बनाया है तो आपको दोबारा वो बनवाना पड़ेगा इंग्लिश या हिंदी में, इन दोनों में से किसी और रीजनल लैंग्वेज में होगा तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं हाईलाइटेड पार्ट को तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जिसमें हमें हाईलाइट नहीं हो रखा है, आपको एकदम प्लेन चाहिए, तो फिर आपको साइट पर मिल जाएगा। और फॉर्मेट किस किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, अगर आप आईआईटी जा रहे हैं तो वो जेई एडवांस की साइट में मिलेगा, अगर एनआईटी प्लस सिस्टम में जा रहे हैं तो आपको जोसा की साइट में मिलेगा किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं। रीजनल लैंग्वेज में तो फिर वही बात हो गई, आपको इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। और सारी मेन चीज़ थी जो हमने इस ब्रोचर में जो था वो हमने बात कर ली। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑब्वियसली बात है। क्यों? क्योंकि हम जोसा रिलेटेड वीडियो डालने वाले हैं और जोसा चल ही रहा है तो फिर आपकी हेल्प हो सकती है। इंस्टेंट क्वेरी है आपकी, कोई मतलब जल्दी से जवाब चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे डीएम करो, वहाँ पे हम जवाब दे देंगे आपको। कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और वहाँ पे भी हम आपको जवाब दे ही देंगे। और जोसा से रिलेटेड कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन डाल दो, उस पर हम एक या दो दिन में वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। तो यही था इस वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।